स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे DIY नेटवर्क राउटर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये राउटर है क्या, करता क्या है। तो ये समझिए कि बिना राउटर के अगर आपके घर में इंटरनेट आ रहा है, चाहे वो BSNL से आ रहा हो, मतलब लैंडलाइन से आ रहा हो, चाहे कोई केबल आपको दे रहा हो, चाहे एक्ट दे रहा हो, चाहे रिलायंस आपको रिलायंस फाइबर दे रहा हो, कुछ भी हो, आता तो एक ही जगह से। तो वो एक जगह से आपके घर में जितने भी चीज़ें, जितना मोबाइल है, जितना TV है, जितना आपका कंप्यूटर है, जितना आपका लैपटॉप है, ये सब में कनेक्ट करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए जो ये सबको संभालता है, उसी को हम लोग राउटर कहते हैं। तो राउटर को आप ऐसे समझ लिए कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है, मतलब जो कि आपके घर में है, जो आपका अपना है, उसको संभालने के लिए ये काम करता है राउटर का। और राउटर को आप ट्रैफिक पुलिस के तरह समझ लीजिए। तो अगर आप स्विच देखते हैं जो पहले आते थे हब, वो एक रिपीटर की तरह होता था, मतलब एक ही सिग्नल वो सब में भेज देता था। तो आपके कंप्यूटर जो है, मतलब हाँ हमको ये फाइल नहीं चाहिए, हमको ये फाइल नहीं चाहिए, हमको ये फाइल चाहिए, ठीक है ले लिया, ऐसे करके वो पूरा फ्लड करता था। तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आती थी, क्योंकि समझिए मतलब कोई भी 1 MB का डेटा दिया, वो 1 MB को कॉपी करेगा और सबको भेज देगा, और उसके बाद सब कंप्यूटर अपना टाइम वेस्ट करेगा, नहीं ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ओ ये चाहिए था, हाँ ले लो, अरे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो समझिए मतलब कंप्यूटर को छांटने का काम दे देता था, तो उससे नेटवर्क बहुत स्लो चलता था। तो हब्स के बाद आए स्विचेस। तो स्विचेस काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन स्विच इंटरनेट का काम नहीं करता है। मतलब स्विच एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है, लेकिन इंटरनेट से कैसे जाएगा वो काम राउटर करता है। तो स्विच से आप इंटरनेट नहीं जोड़ सकते, लेकिन स्विच से आप 10 कंप्यूटर को आराम से जोड़ सकते हैं। तो स्विच और राउटर दोनों एक साथ काम करते हैं, ताकि आप बहुत सारे कंप्यूटर, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, जोड़ के आराम से काम कर पाएँ। तो इसके लिए आप ऐसा समझिए कि आजकल जो हम लोग राउटर राउटर कहते हैं, तो आप इस तरह का वाईफाई राउटर सोचते होंगे। तो आजकल के राउटर में बहुत चीज़ रहता है। तो सबसे पहले ये समझिए, कुछ कुछ में तो मॉडम रहता है। मॉडम का काम होता है कि मतलब आपका इंटरनेट जो आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, चाहे फोन, जनरली फोन लाइन वाले मॉडम ये सब में मिलेंगे। तो मतलब जो स्प्लिटर होता है, स्प्लिटर के बाद अगर आप तार लगाएंगे, ये खुद ही मॉडम का काम करेगा। मॉडम के बाद एक काम आता है राउटर का, राउटर जो मतलब इंटरनेट को सबसे जोड़ेगा, राउटर भी इसी में रहता है। राउटर के बाद उसके सारे सिग्नल को भेजना है अलग अलग जगह पर, उसके लिए इथरनेट पोर्ट चाहिए, वो भी इसी में रहता है। उसके बाद वो जो नेटवर्क पैक डेटा लाइन बनाया, उससे एक लाइन को लेके इधर ये वाईफाई में भेजना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट का काम करना है, जिसे वाईफाई एक्सेस पॉइंट कहा जाता है, वो भी इसी में है। तो मतलब समझ लिए कितने सारे चीज़ एक ही राउटर में होते हैं। तो आप तो सोचो कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तभी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा खामियाजा भी भरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। तो खामियाजा ये है कि इतने सारे चीज़ को देने का कीमत ये होता है कि ये लोग सबसे सस्ता मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि इतना तिगड़न दे रहे हैं कि इनको सस्ता चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाएंगे, कहीं इंटरप्राइज में, जहाँ मतलब लोग सीरियसली लेते हैं अपना नेटवर्क को, 10 लोग का हो या 20 लोग का हो, जो लोग काम कर रहे हैं वो इस तरह का स्विच इस्तेमाल करेंगे और राउटर वाला पे नहीं करेंगे, क्योंकि ए वो बना नहीं है राउटर, उसको मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो, 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, आराम से 4 रुपये इंटरनेट चलेगा। लेकिन अगर फुल स्पीड पे 24/7 अगर आप इस्तेमाल करने लगे, राउटर जवाब दे देगा, और खराब भले भी नहीं हो लेकिन वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि बना ही नहीं है उतना थ्रूपुट हैंडल करने के लिए। राउटर के हिसाब से मतलब राउटर में जो फीचर्स लिखे रहते हैं, जैसे लिखा है कि 10 यूजर्स एट अ टाइम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 यूजर्स यूज कर रहे हैं। 10 यूजर का मतलब है कि 10 लोग लॉग इन कर लिए हैं, एक फेसबुक पे चैट कर रहा है, एक नेटफ्लिक्स देख रहा है, एक तो मतलब समझिए गेम खेल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 के 10 फुल यूज कर रहे हैं। अगर फुल यूज करने लगे तो उसका जो सस्ता प्रोसेसर है वो हैंडल नहीं कर पाएगा और ये स्लो हो जाएगा। ये आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब भले साइबर कैफे है, इंटरनेट आ बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन मतलब वो ठीक से राउट नहीं कर पा रहा है, सब राउटर लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा, मतलब इंटरनेट एकदम स्लो हो जाएगा। और ये समझिए कि ये औजार जो है ऑल इन वन बनाने के चलते इसका नुकसान ये होता है कि ये कस्टम नहीं है, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा है ना, मतलब आपको जो मिल रहा है मार्केट में वो खरीदना है। आप मान लीजिए आपको, यार मेरे को वाईफाई नहीं चाहिए, मेरा सेफ्टी नेटवर्क का काम करता हूँ, या बैंक का नेटवर्क है, और आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए उसको हैक ना किया जा सके, वाईफाई हटा देने से आधा झंझट आपका खत्म हो जाता है, कि एटलीस्ट वायरलेसली तो कोई हैक नहीं कर पाए, तो आपको चाहिए खूब सारा स्विच चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अगर आप राउटर खरीदे रहते हैं तो उसमें तो सब चीज़ पहले से फिक्स है, तो उसको बंद करने में भी प्रॉब्लम ये है कि कोई उसको हैक कर सकता है, मतलब राउटर को रीसेट करेगा दोबारा वाईफाई चालू हो जाएगा। तो वो सब तिगड़म से बचाने के लिए आपको ये स्विच खरीदना पड़ेगा। तो कस्टम ना होने का कीमत भरना पड़ता है।
और ऑल इन वन है तो इसको ये ऐसे ही समझ लीजिए, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, मास्टर ऑफ नन है, मतलब ये एक काम बेहतरीन नहीं कर सकता, हाँ सब कर लेता, मतलब आम आदमी के लिए आराम से काम कर लेता। जैसे कि जब मैं बैंगलोर में था तो एक्ट का एक 100 Mbps कनेक्शन पर जब मैं था तो 100 Mbps मेरे मॉडम से मेरे कंप्यूटर तक आराम से आता था, मतलब ये राउटर से मेरे कंप्यूटर तक आराम से था। लेकिन अगर मैं मोबाइल चला दूँ और मोबाइल में मैं 5 GHz पे कनेक्ट कर लूँ और उसके बाद मोबाइल में कुछ डाउनलोड करूँ और कंप्यूटर में करूँ, तो कंप्यूटर 70 Mbps दे पा रहा था, क्योंकि 70 मतलब टोटल इंटरनेट से, इसलिए नहीं कि मतलब मेरा इंटरनेट स्लो हो गया है, वो राउटर नहीं कन्फिगर कर पा रहा है। अभी वैसे 3-4 और लगा दूँ मतलब मेरा ग्रैंड टोटल स्पीड 50 तक ड्रॉप कर जाता था, कि मतलब है 100 Mbps आ उधर से रहा है, मतलब अगर हम निकाल के एक जगह पे कनेक्ट कर दें और आराम से 100 Mbps चलेगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको तगड़ा राउटर चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। तो आप जब भी राउटर के बारे में शॉपिंग कीजिएगा तो आपको बोलेगा ऑफिस ग्रेड, इंटरप्राइज ग्रेड, ये सब राउटर आपके नॉर्मल राउटर जैसे ही होता है, लेकिन इसका प्रोसेसर इतना तगड़ा रहता है कि वो एक्चुअली हैंडल कर पाए। मतलब जो नॉर्मल राउटर है, बोला बनाया तो है कि 12-13 लोग से वो कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन 12-13 लोग फुल यूज़ में नहीं रहेंगे। वो अस्यूम कर रहा है कि एक ठो है बस व्हाट्सएप में टिकट टिकट कर रहा है, एक ठो नेटफ्लिक्स पर जिसको खूब डेटा चाहिए तो वो कर रहा है, लेकिन जनरली कोई कुछ खास नहीं कर रहा है। तो इसी कारण से आपको ये समझना पड़ेगा कि राउटर मतलब एक राउटर जो सब चीज़ कर सकता है वो किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं होगा। और हर चीज़ तो छोड़ दीजिए, आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो आप नहीं बर्दाश्त कर। जैसा आपको पता है राउटर को अगर आपको रिसेट करना है, सीधे एक पिन डाल के रिसेट का बटन से रिसेट कर दीजिए। अब आप बोले नहीं मैं किसी को घर में घुसने नहीं देता, आप घर से बाहर गए तब कोई कर दिया तो, और ऑफिस के सिनेरियो में इस तरह की सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि मान लीजिए कोई भी एक एम्प्लॉई है जिसको आप फायर कर दिए, वो जाके रिसेट मार दिया और उसको पता ही कि एडमिन हो जाएगा सारा पासवर्ड धड़ाक से वो मतलब कर लिया, या जिस राउटर में कस्टम पासवर्ड रहता है उस राउटर को उठाइए पीछे ही पासवर्ड लिखा रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये सब तिगड़म बहुत भयानक सिक्योरिटी गैप छोड़ दिया है जो आप नहीं रख सकते ऑफिस में। तो और ऊपर से खास करके ये सब चीज़ काम भी नहीं करेगा हाई एंड पे, हाई एंड मतलब जो ऑफिस में लगता है। तो जैसे बहुत सारे ऑफिस बैंगलोर में ऑप्टिकल पे चल रहे हैं तो ऑप्टिकल के मॉडम ऐसे दिखते हैं, फिर ऑप्टिकल मॉडम से आपको एक राउटर चाहिए तगड़ा सा, फिर राउटर से स्विच चाहिए, फिर वो स्विच से आप एक्सेस पॉइंट लगाएंगे जो आप देखते होंगे ना ऑफिस में खूब सारा जो छोटे छोटे एक तो पॉइंट लगे हुए हैं, वो वाईफाई रिपीटर जैसा समझ लीजिए काम करता है, उसे हम लोग एक्सेस पॉइंट करते हैं। तो ये सब करने से बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब लिटरली मान लीजिए इनको लगा कि ब्रीच हो रहा है, एक मतलब टेक्नीशियन आराम से बस एक तार यहां से निकाल देगा, मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच में जा रहा है, जो स्विच से सारा एक्सेस पॉइंट चल रहा है वो धड़ाक से वही स्विच को डिस्कनेक्ट कर देगा कि कोई वाईफाई से एक्सेस कर रहा था, धड़ाक से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर। राउटर के केस में आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, और अगर कोई हैक कर चुका है आप सॉफ्टवेयर को बंद कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकली आपको डिस्कनेक्ट कर दो, आपका इथरनेट भी बंद हो जाएगा। इस कारण से सिक्योरिटी के मामले में बहुत भारी वीकनेस होती है इसमें। तो पीएफ सेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये है सोल्यूशन। तो जैसे ही मेरा पिछला एपिसोड था रास्पबेरी पाई पे, कि रास्पबेरी पाई ने क्रांति लाया, पीएफ सेंस समझ लीजिए वैसा ही किया लेकिन छोटे स्तर पे किया। और पीएफ सेंस को आप ये समझिए कि यूनिक्स बेस्ड पे एक फ्री बीडीएस पे ये बनाया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब लोगों ने काम कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चलता है, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको एक पूरा कंप्यूटर चाहिए चलने के लिए, हल्का कंप्यूटर ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं, मतलब अगर आप जितने भारी आपका इस्तेमाल है उस हिसाब से आप कंप्यूटर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 100 लोगों को चलाना है तब आप लोग कहेंगे कि इस तरह का फुल फ्लेश कंप्यूटर, इसमें 16 GB का रैम हो, 8 कोर प्रोसेसर हो, हार्ड ड्राइव लगा हो, तो वो सब चाहिए अगर आप बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। घर में है 4-5 लोग काम कर रहे हैं या छोटा सा ऑफिस है उसमें इस तरह का हल्का सा कंप्यूटर काम चल जाएगा, आपको नहीं चाहिए एकदम यू नो i9 चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ऑफिस के लिए चाहिए। बड़े बड़े जितना बड़ा होता जाएगा उतना के लिए आपको ये सब खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री होने से एक तो सबसे पहले लाइसेंसिंग कॉस्ट बच जाता है, और फ्री आप ये समझिए ऑफिस पायरेट मटेरियल नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मेरे घर में आके नहीं बोलने वाला कि भैया तू पायरेटेड इस्तेमाल कर रहा है तुम हमको फाइन भरो, उसको पता है कि अगर फाइन कर भी देगा मैं भर नहीं पाऊंगा फाइन। तो लेकिन ऑफिस को फाइन कर सकता है, इसलिए कंपनी जनरली कोशिश करती है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का, मतलब कोशिश करती है, सबके सब करें चाहे नहीं करें कोशिश तो करती है। तो इस कारण से फ्री इसका होना मतलब समझिए एक खर्चा तो बच गया। फिर आता है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब अगर कंपनी बड़ी है और वो खुद के प्रोग्रामर रखी है तो वो एक्चुअली घुस सकती है पीएफ सेंस के अंदर और बोलती है यार ये तो ठीक है लेकिन हमारे काम के लिए नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पे कुछ ये डाल दो, मतलब कुछ कस्टम प्रोटोकॉल्स डालना चाहते हैं या कुछ उनका एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा सेफ्टी रिक्वायरमेंट है या कुछ इंक्रिप्शन कोड है वो सब आप लगा पाइए क्योंकि ये ओपन सोर्स है। फिर इसको तिगड़म करने के लिए ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप राउटर लगाएं वहाँ पे आपको कीबोर्ड माउस लगाना पड़ेगा, ये सिंपली जैसे आपका सब राउटर होता है वेब बेस्ड इंटरफेस देता है, तो मतलब अगर राउटर से आप इथरनेट से कनेक्टेड हैं तो आराम से किसी कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हैं। और इसका कितना उच्च लेवल पर यह काम कर सकता है आप ये समझिए कि बहुत सारे कंपनी में
जहाँ पे 1,000 लोग हैं, 20,000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टेस्टेड है इंटरप्राइज ग्रेड पे, मतलब अभी नेटगियर से आप सीधे खरीद सकते हैं, 50-60 हज़ार डॉलर का ये सब आता है। तो बोलिए इतना महंगा क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया कि एक अगर राउटर अगर आपका सस्ता है, इंटरनेट भले आपका 1 GB/s आ रहा है, वो 1 GB को 100 जगह बांट नहीं पाएगा क्योंकि उसका प्रोसेसर उतना तगड़ा नहीं है। तो इसलिए इस समय प्रोसेसर जो लगते हैं वो पूरा एक हाई एंड प्रोसेसर लगाया जाता है, और जितना ज़्यादा हाई प्रोसेसर लगाएंगे, जितना ज़्यादा रैम लगाएंगे, जितना ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। तो जैसे एक फीचर आता है जिसे कहते हैं नेटवर्क कैशिंग, इसका मतलब ये समझिए कि जैसे आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं या उसको ऑटोमेटिकली करने भी दे सकते हैं। खुद से आप डिफाइन कर दिए कि जैसे स्टीम है, मान लीजिए आपके लोग खूब लोग गेमिंग करते हैं, स्टीम सब लोग इस्तेमाल करता है, तो ऐसा कीजिए कि स्टीम से जो भी डाउनलोड पैकेज आ रहा है वो यही स्टोर कर लेगा। तो स्टीम का जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय आया, सुबह सुबह उसने स्टीम खोल दिया, स्टीम अपडेट हो रहा था, ठीक है, वो अपडेट का एक क्लोन ये रख लिया। तो अब दूसरा कोई एम्प्लॉय आया, वो खोला, वो अपडेट इंटरनेट से नहीं मांगेगा, वो इसी से यही दे देगा उसको, कि जैसे वो देखेगा अरे ये तो वही रिक्वेस्ट मान रहा है, इसी को फाइल भेज देगा। तो समझिए आपके पास 10,000 लोग हैं, 1,000 लोग का आपका कंपनी है, 1,000 लोग अब करेंगे, तो 1,000 लोग एक ही फाइल को बार बार इंटरनेट से नहीं लेके इससे लेंगे, तो जल्दी जल्दी आएगा और इंटरनेट आपका स्लो नहीं होगा। उस दरमियान कोई सिर नहीं पिटेगा भाई सब लोग बंद करो स्टीम, नहीं तो मतलब समझ रहे हैं बहुत स्लो ना हो जाए। तो इस कारण से इस तरह के फीचर्स होना बहुत फ़ायदेमंद होता है, खास करके विंडोज़ अपडेट में, जिसमें इसमें आप लॉक भी लगा सकते हैं कि भैया विंडोज़ अपडेट को घुसने नहीं दो मेरे नेटवर्क में, सिर्फ रात को घुसने दो। तो ऐसा भी कुछ कुछ लोग तो बहुत गुस्सा करते हैं कि विंडोज़ अपडेट ज़बरदस्ती का सिस्टम बंद कर देता है, यहीं पर ब्लॉक लगा देते, घुसेगा ही नहीं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कॉन्टैक्ट ही नहीं होने देते, मतलब तुमको घुसना ही नहीं है, हम रोक दिए, मतलब ये फायरवॉल की तरह काम कर सकता है। तो ये सब करने के लिए तो इसको प्रोसेसर चाहिए ना, मतलब ये सब तगड़ा काम करने के लिए आप अपने MI के राउटर में ट्राई कीजिए, और अच्छा सॉफ्टवेयर तो दे देता, लेकिन ट्राई कीजिए इस तरह का ब्लॉक लगाने का, कर सकते हैं लेकिन ना तो वो भरोसेमंद नहीं है। तो आपको ये सब करना क्यों चाहिए? तो पहला तो ये समझिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, आप इंटरप्राइज ग्रेड में घुसना चाहते हैं, इससे बढ़िया मैं सीखने का औजार आपको नहीं दे सकता। जैसे रास्पबेरी पाई सीखने के लिए एक अच्छा था, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, और ये मतलब हाँ इसका इस्तेमाल कम है, मतलब ये सिर्फ नेटवर्किंग के लिए। तो अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं जो आप एक्चुअली कमर्शियल वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं, तो आपको ये सब सीखना ज़रूरी है। मतलब आपको आप किसी बड़े ऑफिस में जाइए, चाहे सिस्को हो चाहे डेल हो, वहाँ पे ये लोग नॉर्मल राउटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने कस्टम राउटर होते हैं। कहीं कहीं पे तो इतने एडवांस राउटर लगाए जाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला जाता है, तो बोले वो उसका क्या ज़रूरत है? वो ऐसा समझिए कि आजकल हर कोई इनक्रिप्टेड पैकेज इस्तेमाल करता है, तो राउटर पैकेट को खोल के नहीं देख सकता कि जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट तो बता दे रहा है कि ठीक है भाई मेरा ये पैकेट है इसमें अपडेट है, ठीक है, लेकिन आपको ऑफिस डिटेल दे रहे हैं तो वो तो इंक्रिप्टेड है, तो इंक्रिप्टेड फाइल को तो खोल के नहीं देख सकते, उसके पास पास की नहीं है। अब वायरस भी यही करने लगा कि वायरस भी इधर उधर जाता है और इंक्रिप्टेड डेटा भेजने लगता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि वो एक गेस मारता है, मतलब एक पूरा समझता है सबको कि मतलब ये कंप्यूटर इधर से बात करना चाह रहा है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ई कंप्यूटर ज़बरदस्ती का इंटरनेट दे रहा है जबकि कोई यूज़र इस पर लॉग्ड इन नहीं है, मतलब यानी कुछ घोटाला है। तो वो एक पहले येलो मार्क बना देगा कि भैया, वो अपने नेटवर्क एडमिन से पूछेगा, मतलब कंप्यूटर एक टिकट बना देगा अपने नेटवर्क एडमिन के पास कि भैया कुछ घोटाला चल रहा है देख लीजिए। तो वो बोल देगा नहीं 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 वो बैक बर्नर पर फाइल लगाया वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब बोला नहीं कुछ हो रहा है, तो वो धड़ाक से बोलेगा भैया उसका नेटवर्क कट करो। तो ऐसा ऐसा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है, वो गेस करने लगता है कि ये सब नेटवर्क नॉर्मल नेटवर्क है, ये थोड़ा ज़्यादा ही चुतिया पकड़ रहा है, इसको रोको। तो ये सब करने के लिए सबसे बढ़िया सीखने का औजार आपको पीएफ सेंस ही मिलेगा। और आप समझिए जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल राउटर सबसे सस्ता मटेरियल से बनाया रहता है, डुअल कोर प्रोसेसर आता है। आप पुराना कंप्यूटर जैसे मेरे पास Core 2 Duo है, वो भी क्वाड कोर है, तो आप पुराने कंप्यूटर से एक बहुत तगड़ा राउटर बना सकते हैं। और ये फुल डेस्कटॉप होने के चलते आप इसमें PCI एक्सप्रेस जो कार्ड है उसमें आप लगा सकते हैं GB और 10 GB का कनेक्शन आप लगा सकते हैं। तो और इसमें भी आप वाईफाई कार्ड भी लगा के आप पूरा एक्सेस राउटर बना सकते हैं, या इसी से इथरनेट निकाल के एक्सेस पॉइंट जोड़िए, जो करना है आपको कीजिए। तो इतना फीचर इसमें मिलेगा जो आपके एक राउटर में खरीद ही नहीं सकते, और जो राउटर ये सब फीचर देता है वो इतना महंगा रहता है कि आप बोलोगे भाई 6,000 का कंप्यूटर खरीद लें। तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है, और खास करके जैसे कि आप समझिए कि राउटर आता है आम लोगों के लिए, इंटरप्राइज के लिए, बीच में कुछ है ये नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका छोटा सा कंपनी आपने स्टार्ट कर दिया है 10 लोगों का, वहाँ के लिए कुछ नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा घूम फिर के। और आप देख सकते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि लोग इसके लिए कस्टम हार्डवेयर बनाते हैं, जैसे एक तो इतना छोटा सा राउटर है एकदम मस्त सा। तो समझिए परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए कि 10 लोग मतलब 10 लोग हैं लेकिन 10 के 10 लोग एकदम फुल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कारण से अगर आप नॉर्मल राउटर ले लेते हैं वो नहीं संभाल पाएगा अपना स्पीड।
और अगर आप इस तरह का एक पुराना ही कंप्यूटर, कितना भी पुराना हो, 10 साल या 20 साल, लोग तो पुराने पुराने लैपटॉप इस्तेमाल करके कर लेते हैं, तो वो सब लगा के कीजिए। और आपको मतलब आगे का सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भविष्य में भी बहुत तगड़ा इंटरनेट लेंगे और बहुत लोग और लगेंगे, तो पहले से ही आप एक अच्छा सा तगड़ा सा हष्ट पुष्ट सर्वर ग्रेड कंप्यूटर ले लीजिए। वो बनाया जाता है कम पावर कंजम्पशन पे और कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि एंटरप्राइज़ के लिए आता है, कई लाख करोड़ का आता है, लेकिन आता है, बीच में कुछ नहीं आता। मतलब एक दो तीन यूज़र के लिए आपको आराम से राउटर मिल जाएगा, 50 यूज़र के लिए नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, एक गैप है बीच में, वो गैप ये अच्छे से भर सकता है। और सेफ्टी के मामले में मैं इससे कुछ आपको इससे बेटर दे नहीं सकता, मतलब क्योंकि आप समझिए आपने हर कंप्यूटर में अलग अलग एंटीवायरस लगाया, बहुत बढ़िया। इससे ये होता है कि अगर कोई कंपनी, जो कंपनी एंटीवायरस बना रही है, वो खुद ही वायरस अगर रिलीज़ करेगी तो एटलीस्ट उसका मतलब कंप्यूटर में नहीं घुसेगा, ठीक है आपने कर लिया। लेकिन अगर आपके इंटरनेट पे घुस गया है कोई गलत ट्रैफिक, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब से आया और आपके कंप्यूटर में घुस गया, तब आप क्या कीजिएगा? उसको रोकने के लिए इस तरह के सिस्टम का एक फ़ायदा होता है जिसे हम लोग कहते हैं फायरवॉल। तो इसमें ये इसको एक सॉफ्टवेयर मतलब प्लगइन लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन। ये तिकड़म एक फिल्टर टाइप है, वो फिल्टर से सब देख रहा है कि मतलब यूट्यूब का इंटरनेट जा रहा है आ रहा है, मेरा गूगल का इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, ई पता नहीं क्या आ रहा जा रहा है, वो धार से रोक देगा और आपको एक वार्निंग दे देगा कुछ घोटाला चल रहा है। और उसमें बहुत सारे कंपनी लिस्ट देती है जो पर महीने अपडेट होता है, फ्री वाला पर महीने अपडेट होगा, और अगर आप कोई प्रोफेशनल में है तो आपको कहा जाएगा कि पैसा दीजिए, क्योंकि वो लोग डेली अपडेट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बंदा डिटेक्ट करता है कि ये नेटवर्क घोटाला है, वो सीधे इंट्रूजन डिटेक्शन लिस्ट में डाल देगा, तो आपका ये घुसने ही नहीं देगा। मान लीजिए आपको कोई ईमेल में स्पैम आ गया और बहुत अच्छा स्पैम था, आपको किसी फ्रेंड के ईमेल को हैक करके भेजा गया था, तो आप तो पकड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। आ गया, आपने खोला, जैसे ही वो एड्रेस पे फॉरवर्ड करने की कोशिश किया, ये बोल दिया भैया रुक जाओ। तो समझिए आप कंप्यूटर पर कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे करना बहुत आसान है। तो इस कारण से कोई मान लीजिए कोई पेन ड्राइव लगा दिया जिसमें कोई वायरस था, तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा क्योंकि ये रोक देगा। इस कारण से इस तरह का सेफ्टी के मामले में इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मत समझिए कि ये लगा के आग मूंद लीजिए, सेफ्टी कोई भी ऐसी नहीं होती कि मतलब एक ठो लगाए काम खत्म हो गया, मतलब एक कंटिन्यूस बैटल टाइप होती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल औजार है। तो इस कारण से ये सब करना चाहिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के मामले में तो इससे बात ही नहीं करना है, और सेफ्टी तो ज़रूरी ही है, खास करके अगर आप छोटी कंपनी अभी स्टार्ट किए हैं। आप नहीं चाहोगे कि आपका पूरा एक दो दिन तक कंपनी बंद हो जाए, क्यों भैया वायरस लग गया, सबको बैठ के फॉर्मेट कर रहा है कंप्यूटर। तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन पीएफ सेंस यानी डू इट योरसेल्फ नेटवर्क राउटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और आपसे विनती करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।